आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले और बाद में रुपये में लिए जाने वाले लोन पर ब्याज समानीकरण योजना की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है। पिछले साल अप्रैल में इस योजना को जून तक और फिर सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि विशेष श्रेणी के एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों के लिए योजना के तहत ब्याज समानीकरण दरों को संशोधित कर 2% और 3% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने रुपया मूल्य में निर्यात से पहले और बाद के लोन पर ब्याज समानीकरण योजना को 31 मार्च 2024 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। यह योजना सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले दूरसंचार उपकरणों और संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। RBI ने कहा है कि निर्यातक को अनुमोदन जारी करते समय बैंक को प्रचलित ब्याज दर, प्रदान की जा रही ब्याज सबवेंशन और प्रत्येक निर्यातक से वसूल की जा रही शुद्ध पर प्रस्तुत करनी होगी, ताकि योजना के संचालन में पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसमें आगे कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से बैंक दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र निर्यातकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर को कम कर देंगे और निर्धारित प्रारूप से संबंधित महीने के अंत से 15 दिनों के भीतर मूल दावों को प्रस्तुत करेंगे। RBI ने आगे कहा कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए बैंक योजना के अनुसार पात्र निर्यातकों की पहचान करेंगे, उनके खातों में ब्याज समानीकरण की पात्र राशि जमा करेंगे और 30 अप्रैल 2022 तक इस अवधि के लिए सेक्टर के हिसाब से कंसोलिडेटेड रिइंबर्समेंट दावा रिजर्व बैंक में प्रस्तुत करेंगे। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और रसायन जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात फरवरी में 22.36% बढ़कर 33.81 अरब डॉलर रहा। हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 21.19 अरब डॉलर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में आयात करीब 35% उछलकर 55 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात 66.56% बढ़कर 15 अरब डॉलर रहा। आयात और निर्यात के बीच अंतर को बताने वाला व्यापार घाटा फरवरी 2021 में 13.12 अरब डॉलर रहा था। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।